Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 9th subject SST geography part, chapter number 5, natural vegetation and wildlife, part number 6. Natural vegetation and wildlife, part number 6. Topic is tropical fern forest and scrubs. आज हम जो टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल फर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स जो है वो पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन। हम वेजिटेशन की टाइप्स पढ़ रहे थे। वी हैव लर्न द टू टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड इज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो थर्ड जो टाइप्स है वेजिटेशन का, जो थर्ड टाइप्स है उसका नाम है ट्रॉपिकल फर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। तो क्या है ये ट्रॉपिकल फर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, किस एरिया में पाया जाता है, इसका क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से इसमें एनिमल्स मिलते हैं, कौन कौन से इसमें ट्रीज मिलते हैं और कितनी रेनफॉल होती है, कौन कौन से इसके रीजन है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन करके इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स। थर्न फॉरेस्ट एंड जो स्क्रब्स होते हैं, जो कटीली झाड़ियां, जो कटीले जो पेड़ होते हैं और जो कुछ झाड़ी होते हैं उनको थर्न स्क्रब्स बताया है। इन रीजन विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, सबसे पहले इंडिया के ये उन क्षेत्रों में फाउंडिंग किया जाता है जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल मिलती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इन रीजन विद द लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, मोस्टली जो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उस वेस्टर्न पार्ट में ये रेनफॉल कम मिलती है। जैसे अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप के अंदर इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो मोस्टली जो ये पार्ट्स है ये हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, इस वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर रेनफॉल की मात्रा कम मिलती है हमारी, लेस देन 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कैच क्या है, नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्टिंग थ्रॉनी ट्रीज एंड बुशेज। अगर प्राकृतिक रूप से इसकी हम कंसिस्टेंस देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इस जो नेचुरल जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन का जो कंसिस्टेंस है उसमें थ्रॉनी ट्रीज एंड बुशेज कौन कौन से मिलते हैं, इसमें थ्रॉनी ट्रीज और बुशेज जो हम कह सकते हैं कि कटीली कटीले पेड़ है, थ्रोनी ट्रीज कटीले जो कांटेदार है जिसमें कांटे होते हैं, और बुशेज बुशेज मीन्स होती है झाड़ियां, एक ग्रुप ऑफ द प्लांटेशन, छोटे छोटे पौधों का जैसे ग्रुप्स है, छोटे छोटे पौधों ग्रुप्स है, ये एक ग्रुप्स हो गया, और कांटेदार जिस प्रकार से इस प्रकार से कांटे से जो कांटे होते हैं ये आपके थ्रॉनी होते हैं। आप इसको इस प्रकार की जैसे इमेजिंग सेंस की इन ट्रीज की, तो आपके एनसीईआरटी की जो बुक्स है, हमारी एनसीईआरटी की बुक
में जो फिगर नंबर 5.5 की है उसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के थॉरेट ट्रीज और बुशेज है जिसकी इमेजिंग दी गई। नेक्स्ट फाउंडिंग रीजन, अब इसमें देखिए कौन से रीजन में ये फाउंडिंग होते हैं, कौन से रीजन में ये पाए जाते हैं। फाउंडिंग रीजन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। देखिए कि फाउंडिंग रीजन, तो ये जो हमारे थॉरेज और जो स्क्रब्स की जो टाइप्स के जो फॉरेस्ट है वे किस क्षेत्र में मिलते हैं, हमारे कौन से रीजन में? नॉर्थ वेस्टर्न, जो इंडिया का नॉर्थ और जो वेस्टर्न ये जो पार्ट है हमारा नॉर्थन और वेस्टर्न पार्ट, मोस्टली वेस्टर्न पार्ट द इम्पोर्टेंट दिस रीजन, जैसे वेस्टर्न पार्ट कंटेन इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड एरिया, सेमी माने अर्ध और एरिड माने होता है शुष्क, यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्ध जो शुष्क है, अर्ध जो शुष्क है जो कुछ कम, बिल्कुल शुष्क नहीं, बिल्कुल एरिड एरिया, तो 50% से भी जो लो रेनफॉल वाले भी बिल्कुल एरिड एरिया में आएंगे, लेकिन यह 70 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए इसको कहा है सेमी एरिड एरिया। कि इट मीन्स कि जो 70 सेंटीमीटर रेनफॉल से कम है उनको सेमी एरिया में जोड़ देंगे, इंक्लूडिंग ऑफ द सेमी एरिड एरिया। जैसे अगर स्टेट देखते हैं हम, तो जैसे राजस्थान है, गुजरात है, ये हमारा गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश जो हमारा मिडिल पार्ट्स है, मिडिल पार्ट्स ऑफ द इंडिया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा का मोस्टली जो वेस्टर्न पार्ट्स है, जो ड्राई एरियाज है, जो ड्राई एरिया वाला जो क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, वे हरियाणा वाले पार्ट्स में इस प्रकार के अर्थात थ्रॉनी और स्क्रब्स टाइप के नेचुरल वेजिटेशन मिलती है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ द वेजिटेशन, इस वेजिटेशन के कौन कौन से एग्जांपल्स है, इसमें जो ट्रीज को हम इंक्लूडिंग करते हैं वे उन ट्रीज के क्या क्या नेम है, क्या क्या नेम्स हैं, उस नेम्स को अगर हम देखते हैं तो देखते हैं इसमें अकाशिया एक ट्रीज है जिसका नाम है अकाशिया, पाम जिसको हम खजूर भी बोलते हैं, पाम खजूर, उसके बाद में यूफोर्बिया, इफोर्बिया, कैक्टिस, कैक्टाई, कैक्टाई एक तरह से जो नागफनी होता है, कैक्टाई एंड विशेष और जाड़ी। तो इस प्रकार से ये उसे कुछ ट्रीज है, उस ट्रीज ये पाए जाते हैं जिसको रिकॉल करते हैं दुआ दीजिए, जैसे अकाशिया, पाम, खजूर, यूफोर्बिया, 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 कैक्टाई, कैक्टस, नागफनी और बुशेज, बुशेज में झाड़ियां, जो छोटे जो पेड़ होते हैं जो अधिक लंबे नहीं होते, ये इस प्रकार से मिलते हैं बुशेज। नेक्स्ट है और इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, जो आपके थ्रॉनी और स्क्रब्स की जो टाइप्स की जो वेजिटेशन मिलती है, और उसमें ये सुनते हैं ट्रीज आर स्कैर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स फॉर मॉइस्चर। अब देखिए इस प्रकार के टाइप्स की जो मिलने वाले जो ट्रीज है उसकी क्या और उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ट्रीज आर स्कैर्स, स्कैर्स मतलब फैले हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, एक पेड़ यहाँ पर हो गया, दूसरा पेड़ यह हो गया, दूर दूर फैले हुए, ये बिल्कुल पास में नहीं होते, ये स्कैर्स होता है, ये ट्रीज आर स्कैर्ड
एंड हैव लॉन्ग रूट्स, और इनकी जो जड़े है वे लॉन्ग रूट्स होती है, जड़े बहुत लंबी लंबी होती है। जड़े क्यों लंबी जड़े इसलिए होती है कि इनको एक लॉन्ग पीरियड के लिए मॉइस्चर मिली रहती है, नमी रहती है, नमी मिले, नमी एक लॉन्ग पीरियड के लिए हो सके। अगर ये ट्रीज नजदीक होंगे, जैसे मान लीजिए अगर ये ट्रीज नजदीक नजदीक होंगे तो इसकी जड़ें ऐसे पास पास में जाएगी तो उनको पर्याप्त मात्रा में वाटर है जो पानी नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये स्कर्ट्स होते हैं, ये फैले हुए होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, और इनकी जो रूट्स है वे बहुत ही अंडरग्राउंड बहुत ही गहरी होती है ताकि इनको मॉइस्चर मिल सके। तो इसलिए बता रहा है कि ट्रीज आर स्कर्ट्स एंड हैव लॉन्ग रूट्स फॉर मॉइस्चर, किसके लिए, मॉइस्चर के लिए, नमी के लिए, क्योंकि जब तक इनको नमी मिलेगी तब तक ये पेड़ अपना अस्तित्व बना सकते हैं, लिविंग रह सकते हैं। अगर इनको मॉइस्चर नहीं मिलेगी, नमी नहीं मिलेगी, तो ये पेड़ जो है जीवित नहीं रह सकते। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। लीव्स आर मोस्टली थिक, इनकी जो पत्तियां होती हैं, जैसे ये जो पेड़ होते हैं हमारे, ट्रीज होते हैं, इनकी जो पत्तियां हैं बड़ी छोटी छोटी पत्ती होती है। लीव्स आर मोस्टली थिक और स्मॉल, बहुत ही छोटी छोटी पत्तियां होती है, हम कह सकते हैं कि इसमें कांटे नुमा पत्ती होती है, बिल्कुल छोटी होती है, कांटे अधिक होते हैं, बहुत छोटी पत्तियां होती है इन पेड़ों में। और क्या थिंग्स आर स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, क्यों इसलिए कम होती है, अगर अधिक चौड़ी पत्ती होगी, बड़ी पत्ती होगी तो उसमें वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होगी, और जब पत्ती छोटी होगी, केवल कटीली टाइप की पत्ती होगी तो उसके अंदर इवेपोरेशन की जो मात्रा है, वाष्पीकरण की मात्रा कम से कम होती है, क्योंकि ये ड्राई एरिया में पाए जाते हैं और ड्राई एरिया में वैसे ही रेनफॉल बहुत कम होती है, जैसे कि हमने पढ़ाया कि लेस देन द 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। तो देखो प्रकृति ने भी क्या कितनी सुंदर एक हम कह सकते हैं कि प्लांटेशन या वेजिटेशन बनाया, कि प्रकृति ने अपने अनुसार उसको ढालकर और वह प्रकृति एक तरह से वेजिटेशन को बनाया, कि जिस क्षेत्र में पानी की कमी है वहां पर प्लांटेशन भी इस प्रकार से हो रहा है कि उस एरिया में भी अपना अस्तित्व यानी कि बना सके, जैसे ड्राई एरिया जो है उसमें जो प्लांट्स है, जैसे देखने में बना है कि मोस्टली लीव्स आर नथिंग एंड स्मॉल, कि जहाँ पानी की मात्रा कम है तो उस पेड़ों में पत्तियां भी बहुत कमी होगी, नुकीली होगी और कांटेदार होगी, जिससे उसमें वाष्पीकरण की मात्रा अधिक नहीं हो। लेकिन जिस एरिया में रेनफॉल अधिक होता है, जैसे आपने पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो पत्तियां थी, चौड़ी चौड़ी पत्तियां थी, और वहां जो आपका इवेपोरेशन जो था वे अधिक होता था, स्मॉल टू द मिनिमाइज इवेपोरेशन हो, ये उसमें बताया। तो ये प्रकृति की एक हमारी विशेषता है कि प्रकृति ने किस प्रकार इसको ढाला है, बनाया है। नेक्स्ट है एनिमल साउंड, एनिमल साउंड। अब इस प्रकार के अगर एरिया है जो ड्राई एरिया है तो किस प्रकार के साउंड हमारे एनिमल्स लगे, तो अगर हम एनिमल्स में देखें, क्योंकि जब वहां पर बिल्कुल दूर दूर हमारे प्लांटेशन मिलते हैं, नजदीक मिलती नहीं है, या कोई हो सकता है घुसी मिल सकती है जिसमें, तो जब प्लांटेशन स्कार्स होते हैं, नुकीली पत्तियां होती हैं, छोटी पत्तियां होती हैं, वाष्पीकरण की मात्रा, इवेपोरेशन की मात्रा कम होती है, तो निश्चित रूप से वहां से जो एनिमल्स हैं वे भी बहुत कम मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, क्योंकि एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं वहां के नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर। तो वहां पर मिलेंगे जैसे रैट्स और माइस है, एक ही बात है, रैट्स मिलेंगे आपको, माइस है, रैबिट्स मिलेंगे, खरगोश, फॉक्स है, वॉल्फ लोमड़ी है, वाइल्ड एस है,
वॉइस एज में जंगली गधा और कैमल्स कैमल्स इस प्रकार के हमारे एनिमल्स उस एरिया में मिलेंगे, जैसे रैट्स हुए हैं, रैबिट्स है, फॉक्स, वॉल्फ, वाइल्ड एसेट और कैमल्स। और कैमल्स तो एक ऐसा हमारा एनिमल्स है जो काफी लंबे समय तक बिना पानी को पिए भी रह सकता है, और इसके जो जो पैर हैं, इसको पैर हैं जो बढ़िया स्लॉप्स टाइप्स के हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि गद्दीदार पैर है। इसके जो सैंडी सॉल्स है, उस सैंडी सॉल में चलने से इसको कंफर्टेबल होता है कैमल्स को। तो इस प्रकार के ये था हमारा ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट है इसका, जिसे हम डेजर्ट फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, डेजर्ट फॉरेस्ट भी हम कह सकते हैं इसको। डेजर्ट जो डेजर्ट है, जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं, कि रेगिस्तान टाइप की भी ये हमारी होती है टाइप्स होती है डेजर्ट्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल थ्रॉन एंड द वाइल्ड लाइफ पार्ट नंबर 6, जो हमने पढ़ा कि ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्टफ की क्या क्या हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, उसमें रेनफॉल कम होती है, उसमें कौन कौन से रीजन्स हैं, जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में ये मिलते हैं, और यहाँ पर मुख्य रूप से जो कैक्टस है, बुशीज है और एकासिया जैसी वनस्पति पाई जाती है, और पत्तियाँ छोटी और जानवर भी यहाँ छोटे होते हैं, बड़े जानवर नहीं होते। ये आज का हमारा टॉपिक था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको प्रॉब्लम्स तो आप प्रॉब्लम्स को आप कमेंट्स करना, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।